हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, टी की क्षमता क्यों से 25% कम है? उनके परिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाता है? टी की क्षमता क्यों से, अगर क्योंकि अगर 100 है तो पी की कितनी होगी? 25% कम, मतलब 75। तो उनका पारस्परिक परिश्रमिक अनुपात पी क्यू, क्यों का हो जाएगा 75 और इधर हो जाएगा 100। तो ये 25 से 3 बार, 3 अनुपात, ये 25 से 4 बार, 3 अनुपात 4। आगे देखें स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 2540 और 1850 को पहले अपन को जोड़ना है, 0, 5, 4 और 5, 9, 8 और 5, 13 का 3 हासिल की 1, 2, 3, 4, 4490। 4490 के अंदर अब 2 का भाग देना है तो क्रय मूल्य आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2195 रुपये। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 115, 149, 100, 115, 149 और 183 से विभाजित करने पर 3, 5, 7 बचेगा। तो 115 में से पहले अपन को क्या घटाना है? 3, तो क्या आएगा? 112। अब 149 में से कितना घटाना है? 5, तो आएगा 144। और 183 में से कितना घटाना है? 7, 143 में से 7 घटाएंगे तो 173। अब इन तीनों का अपन निकालना है HCF, HCF 112, 144 और 173। तो अपन को HCF निकालना है तो 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, 2 सात 2 72, 8 दूनी 16, 88। फिर 2 से ये हो जाएगा 28 दूना 56, 30 और 44। फिर चला जाएगा 4 से 4 से 4 संते 28, 4 नाम 36, 11 चौक 44। इसका आ जाएगा HCF 2 × 2 × 4, HCF आ जाएगा इसका 16। आगे देखिए स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है का आयतन क्या है? आधार की परिधि क्या है? तो उसकी परिधि हो जाएगी 2πr, परिधि हो जाएगी, परिधि बराबर होता है 2πr। वो कितना दे रखा है अपन को? 44 बराबर 2 × 22/7 इंटू आर, 44 से 44, आर बराबर 7, आर बराबर 7। इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, 2 × 22/7 इंटू 2 × 22/7 इंटू आर कितना है? 7, इंटू एच बराबर कितना है? 440। 440 तो 7 से 7 चला गया, 22 × 44, 44 ये चला गया 10, एच बराबर कितना? एच बराबर 10। तो आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर 7 × 7, एच कितना है? 10, 7 से 7 चला जाएगा, 22 × 7 154, ये हो जाएगा 1440 सेंटीमीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, 25,000 की राशि को 9.25% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना मूल्य होगा? ये हो जाएगा 9.25%, साल कितना है? 2 साल, तो मूलधन हो जाएगा, तो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन, मूलधन गुणा दर, 9.25 गुणा समय बटा 100, पॉइंटर जाएगा नीचे आ जाएगा 2 जीरो। ये 925 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
मधुबनी 1850, 1850, 1 2 1 0 से 1 0, 3 0 से 3 0 चला गया। 25 इंटू 185, 25 इंटू 185 हो जाएगा 4625, कितना हो जाएगा पूरा 25,000। तो मूलधन प्लस 4625 का साधारण ब्याज, तो पूरा हो जाएगा 30,625 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, अठवा क्वेश्चन सरल कीजिए। तो ऊपर वाले को पहले, ऊपर वाले का हो जाएगा 1/4, 1/4 भाग, ये 1/4, 1/4, तो पहले हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 भाग 1/16। अब नीचे वाले का पहले भाग जाएगा, 1/4 इंटू 4/1 इंटू 1/4, चार से चार चला गया, इसका मान आ जाएगा 1/4। तो ऊपर वाले का हो जाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा 1/4 इंटू 16/1/, नीचे वाले का 1/4, सबका मान 1/4 इंटू 16/1 इंटू 4/1, चार से चार का माना जाएगा 16। आगे देखे स्टूडेंट्स सातवां क्वेश्चन, 2/3, 4/6, 8/27 का एलसीएम, 2/3, 4/6, 8/27 का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 8 और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ आ जाएगा 3, इसका एलसीएम होगा एलसीएम 8/3। आगे देखे स्टूडेंट्स पी और क्यों किसी काम को 10 दिन में, पी प्लस किसी काम को 10 दिन में, प्लस आर किसी काम को 12 दिन में, अगर तीनों एक साथ मिलकर पी प्लस क्यों प्लस आर मिलकर 8 दिन में, इन सबका लघुत्तम 120। ये 12 बार, ये 10 बार, ये 15 बार, पी और आर कितने दिनों में, पी क्यू आर कितने दिन में, 12 कर में, पी क्यू ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो ये हो जाएगा आर का मान 3, अगर आर का मान 3 है तो क्यू का मान हो जाएगा 7। तो पी प्लस आर, अगर इसका अगर 7 है तो इसका हो जाएगा 5, 5 और 3 8 की स्पीड से 120 काम, पी पी की स्पीड कितनी है 5 की, प्लस आर की कितनी है 3 की, 120 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 120 में 8 का भाग देंगे तो 15 दिन। आगे देखे स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, एक घड़ी 20% लाभ पर बेची गई, 20% लाभ मतलब उससे 120% में 100%, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कितना कर दिया 100 कम, तो कम कर दिया जाता है तो कम, इसे भी तो कम और इसे भी तो कम, लाभ 5% अधिक होता है, लाभ 5% अधिक, 5 से ये 5 से कितना हो गया 6, और ये अगर 5% अधिक 4 से 5 हो जाता कितना यूनिट, एक यूनिट, इधर भी इधर भी, एक यूनिट बराबर कितना 100, 5 यूनिट बराबर कितना 500। आगे देखे स्टूडेंट्स दसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण बिन में परिवर्तित कीजिए, तार पॉइंट एक दो के ऊपर बार, तार पॉइंट एक दो के ऊपर बार, तो हो जाएगा पूरा 412 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस 40 बटा, जितने के ऊपर बार है उसका 9 और जितने के ऊपर बार नहीं है उसका 0, 412 में से 41 चला जाएगा तो 375
बटा 90, 371 बटा 90 और 136 तार सही 11 बटा 90। आगे देखें स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन, तो ट्रेनें विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आगे बढ़ रही है, इनकी लंबाई 1.10 किमी, तो 1.10 किमी को मीटर में बदलने के लिए 1100 मीटर और 0.9 किमी को मीटर में बदलने के लिए 100 मीटर, लंबाई हो जाएगी 2000 मीटर। ट्रेनों की गति अगर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब एक ट्रेन इस साइड एक ट्रेन इस साइड, तो इनकी चालें जुड़ जाएगी 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 150 किलोमीटर प्रति आवर, 150 को किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा। अब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 750/18, तो 2000 के अंदर अपन को किसका भाग देना है, 750 इंटू पर चला जाएगा 18 में 0 से 0, 25 3 75, 25 8 200, 3 से 6 बार, 8 6 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाएगी। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल संख्या से हमेशा विभाजित होता है, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होगा, अगर 2 × 3 × 4 × 5, 5 × 4 = 20, 20 × 60 60 × 2 = 120, 120 हमेशा 24 से विभाजित होगा 5 बार। अगर संख्या अपन 3, 4, 5 और 6 ले लेते थे, 5 × 30, 30 को 120, 120 को 360, 360 भी 24 से विभाजित होगा, ये 15 बार। आगे देखें स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे बड़े की आयु कितनी होगी, पहले की होगी अक्स, की होगी अक्स +2 और तीसरे की होगी अक्स +4, तीनों का योग अक्स +2 अक्स +4 3 और कितना है औसत 8, हो जाएगा 3 अक्स +6/3 = 8, ये हो जाएगा 3 अक्स + 6 = 8 × 24, 8 × 24, 3 अक्स = 18 अक्स = 6 = 6, तो सबसे बड़े की आयु 6 + 4 = सबसे बड़े की आयु 10 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, पी क्यू आर किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में, पी 11 दिन में, क्यू 20 और आर 55 दिन, तीनों का लघुत्तम 220, ये चला जाएगा 20 बार, ये चला जाएगा 11 बार, ये चला जाएगा 4 बार। यदि पी को एक दिन दिन पी को एक एक दिन क्यू और आर की मदद मिले, मतलब ये पहले वाला दिन हो गया और ये हो गया दूसरा दिन, पहले वाले दिन 20 + 11, दूसरे दिन 20 + 4, 20 + 11 हो जाएगा 31 + 24, 31 + 24 हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 5 = 55, मतलब 220 काम 55 तार इंटू 2 दिन के अंदर हो रहा है, तो मतलब 8 दिन लगेंगे पूरे 8 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेमी की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, 22 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो मूल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर मतलब पाई आर आर +1 का स्क्वायर माइनस
पाई आर स्क्वायर बराबर कितने की, 22। पाई आ जाएगा कॉमन, आ जाएगा आर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कितना, 22। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 आर पाई स्क्वायर प्लस वन प्लस बार माइनस आर स्क्वायर बराबर 22। तो आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, ये हो जाएगा 22 से 22, ये हो जाएगा वन वन प्लस बार बराबर 7, आर बराबर 7 माइनस 1 बार बराबर 6 आर बराबर 3। आगे देखिए स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी थी, पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी थी, माना कि पिता की आयु कितनी है 8 वर्ष। अगर पिता की अपन अगर आयु मानते हैं वो हो जाएगी 8 वर्ष, पुत्र की आयु हो जाएगी 8 माइनस 24 वर्ष, 2 वर्ष पहले, तो 8 माइनस 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 8 माइनस ये हो जाएगी 8 माइनस 2 बराबर 2 अक्स माइनस 48, अक्स बराबर 46, अक्स बराबर पिता की आयु कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, 26,000 को दो इस 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 10% 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। कितना है 10 मतलब 50%, एक किसके बराबर हो जाएगा, और 54, 50% और 54% बराबर है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 27। 26,000 बटा 25 और 27, 25 और 27 52 भाग दे देंगे, ये चला जाएगा 500, 10% 10 और 5, तो इसका मान 500 × 25, 500 × 25 12,500, ये हो गया, और ये हो गया 27 × 50, 27 × 50 13,500। आगे देखें स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन, यदि 70 का 40% 70 का 40% 80 के 30% से 8% अधिक है, 70 का 40% कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 80 का 30% 80 का 30% 2 से 0 8 या 24 से 8% अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 4 4 4 बटा 24 4/24, ये 4 6 24 100/6, 6 1 6 4 6 36 6 36 2/3 16 सही 2/3%। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।